दोस्तों, अगर अपने पीसी पे यूएसबी कंडेंसर माइक को अगर आप यूज़ करना चाहते हो और ऐसे में आपने यूएसबी कंडेंसर माइक को अपने पीसी पे लगा दिया हो, लेकिन उसके बाद भी अपने पीसी पे यूएसबी कंडेंसर माइक को वर्क नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग, तो ऐसे में कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताऊंगा। आपको 3-4 सेटिंग आपको देखना चाहिए, तब जाके आप देखेंगे कि आपके आसन से अपने यूएसबी कंडेंसर माइक को वर्क कर जाएगा। चाहे यूएसबी कंडेंसर माइक हो, चाहे कोई भी अदर्स माइक हो, तो अगर आप 3-4 सेटिंग अगर अपने इनेबल कर देंगे और चेकआउट भी करेंगे, काफ़ी आसान से आप देखेंगे अपने जो भी माइक है वर्क करने लगेगा। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यूएसबी कंडेंसर माइक है, यहाँ पर जो जैक होता है, इसका जो पोर्ट होता है, ये सबसे पहले आपको एक बार अगर लगा लिया हो तो उसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, ठीक से यहाँ पर लगा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया हो, ठीक है, प्रॉपरली करके आपको यहाँ पर सबसे पहले लगाना पड़ेगा। और इसके बाद आपका जो भी जैक है, यूएसबी जो जैक है, किसी भी यूएसबी जैक में आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, माइक को लगाने के बाद सिंपली मैं आ चुका हूँ पीसी के स्क्रीन पे, और यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं स्पीकर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। स्पीकर का ऑप्शन में राइट क्लिक आपको करना है और यहाँ पर ओपन साउंड सेटिंग ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर सबसे पहले इनपुट के जगह पे आपके जो भी माइक अपने डिवाइस में अभी लगा हुआ है, उसी माइक को सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर यूएसबी कंडेंसर माइक को सिलेक्ट किया हूँ, और बाय डिफॉल्ट मेरे डिवाइस में यहाँ पर दो माइक है, एक तो है यहाँ पर लॉजिटेक का जो कैमरा है, उसके अंदर भी एक माइक है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों माइक यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको यही इंपॉर्टेंट बात था, जो कि आपको जो भी माइक आपके डिवाइस में लगा हुआ है, वो माइक आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है तब तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आपको मिल जाएगा जो कि मैनेज साउंड डिवाइस, ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है। और इसमें क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन पे आप देखेंगे इनपुट डिवाइस में, यहाँ पर भी आपको जो भी माइक पीसी पे लगा हुआ है वो अगर इनेबल होना चाहिए, वो डिसेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए माइक्रोफोन, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये अगर मैं डिसेबल कर दूंगा तो हमारा जो यूएसबी कंडेंसर माइक है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और इसलिए आपको सबसे पहले आपको डिसेबल के घर पे अगर है तो उसको सबसे पहले इसमें टच कीजिए और इनेबल कर दीजिए, तो ये टोटली इनेबल हो जाएगा। तो ये भी आपको जरूर से जरूर आपको चेकआउट करना चाहिए दोस्तों। इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो जरूर से जरूर आप यहाँ पर टेस्ट योर माइक्रोफोन और नीचे है ट्रैवल सूट, तो इसमें आप एक बार क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक जो भी प्रॉब्लम है आपके माइक का, वो डेडिकेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो डेडिकेट हो रहा है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले माइक्रोफोन यूएसबी जो भी माइक आपके लिए पीसी पे लगा हुआ है तो उसी माइक को सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट में क्लिक करते ही आप यहाँ पर क्लोज में क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जो भी प्रॉब्लम है अगर पीसी की तरफ से, अगर कुछ भी सिस्टम की तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम है, वो डेडिकेट कर लेगा, वो सॉल्व करने का कोशिश करेगा, ठीक है। आखिर इसके बाद दोस्तों, अगर आप मान लीजिए अपने डिवाइस में जो भी माइक आपने लगाया हो उसी माइक का वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो इसमें आप एडवांस साउंड सेटिंग ऑप्शन पर आइए और यहाँ पर मास्टम वॉल्यूम को आप चाहे थोड़ा बढ़ा सकते हो, और यहाँ पर इनपुट के जो जगह है यहाँ पर आप चाहे तो जो भी माइक अपने पीसी पे लगा हुआ है उसी माइक को आप सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अदर्स कोई माइक सिलेक्ट है तो आप नीचे यूएसबी माइक को आप सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और गाइस, इसके बाद सिंपली मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ, और इसका जो भी साउंड सिस्टम है मैंने आपको दिखा दिया। आप भी दोस्तों अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप और एक सेटिंग कीजिए, वो आप इस साइड में आइए और यहाँ पर आपको स्पीकर ऑप्शन पे माउस के राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो साउंड का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो साउंड पे आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन पे आपको आ जाना है, और यहाँ पर जो भी माइक अपने पीसी पे लगा हुआ है वो माइक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे दोस्तों मेरे डिवाइस में अभी दो माइक लगा हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो है माइक्रोफोन यूएसबी कंडेंसर माइक जो कि ये है, और एक माइक है जो कि अपना कैमरा का माइक है जिससे आप मेरा आवाज़ सुन सकते हो, ठीक है। तो इसी माइक को मैं अभी यहाँ पर टच करूँगा तो यहाँ से मैं डिसेबल करूँगा तो मेरा आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए रिकॉर्डिंग होने देता हूँ। लेकिन आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको माइक्रोफोन जो यूएसबी कंडेंसर माइक है यहाँ पर आपको ऐसा ही सिग्नल होना चाहिए, देखिए उसे यहाँ पर सिग्नल दे रहा है, तो ऐसा ही सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर इसमें आप क्लिक करेंगे माउस के राइट वाला बटन को क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर डिसेबल ऑप्शन पर आएगा, अगर वो डिसेबल है तो आप उसको छोड़ दीजिए, अगर वो मान लीजिए ये डिसेबल है, ठीक है, तो यूएसबी कंडेंसर तो ऐसा आपको दिखाएगा, तो आप मान लीजिए वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको सिंपली इसमें राइट क्लिक करना है और इनेबल कर देना है, ठीक है। तो आपको सिंपली जैसे आप इनेबल कर देंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो भी आप हेलो गाइस जो भी आप माइक्रोफोन में बताएंगे वो आपको यहाँ पर सिग्नल देने लगेगा, ठीक है। और इसके बाद सिंपली आप एक बार प्रॉपर्टीज़ में आप आ जाइए, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पर जो लेवल है लेवल का ऑप्शन पर आप आ जाइए। लेवल का ऑप्शन भी अगर आप माइक्रोफोन का साउंड को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से थोड़ा बढ़ा दीजिए और ओके में क्लिक कीजिए, ठीक है।
और इसमें भी ओके में क्लिक करें तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से अपने माइक्रोफोन, आपके यूएसबी कंडेंसर माइक या जो भी माइक है, आप कुछ इस जो सेटिंग है, जो भी सेटिंग मैंने दिखाया, आप अगर आप उसको टोटल आप इनेबल करेंगे तो काफ़ी आसानी से आपके जो भी माइक किसी में लगा हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप उसी माइक को बिल्कुल आप दूसरा डिवाइस में चेकआउट एक बार कीजिए, तो अगर उसमें ख़राब है या ठीक है वो जो चेकआउट कीजिए। तो मेरे को तो लगता है दोस्तों, ये जो 3-4 सेटिंग मैंने आपको दिखाया उसको अगर आप जरूर से जरूर चेकआउट करेंगे और इसको इनेबल करेंगे तो काफ़ी आसानी से आपका जो भी माइक आपने लगा हुआ है काफ़ी आसानी से वो वर्क करने लगेगा। दोस्तों फिर भी अगर आपको कुछ भी मन में क्वेश्चन या सवाल हो तो मेरे को आप मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्टार ग्रो, चाहे तो मेरे को वहाँ पर भी मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।